नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है बी एन स्पोर्ट्स में। और कल जो है वो बहुत बेहतर खबर भारत के लिए टोक्यो से निकल के आई, जहाँ पे टोक्यो ओलंपिक में भारत का अब तक का जो सफ़र था और जितने भी साल भारत ने कंपीट किया है ओलंपिक्स में, वहाँ पे ओलंपिक खेलों में सबसे बेहतर प्रदर्शन करके भारत टोक्यो से निकल के उभरा है। और कुल मिला के मैं बता दूं आपको, जहाँ पे सात सात मेडल्स हमने अभी तक जीत लिए हैं। और अभी तक नहीं, बल्कि हमारा जो सफ़र है वो टोक्यो ओलंपिक का कल ही समाप्त हो चुका था, और आज जो है वो टोक्यो ओलंपिक में क्लोजिंग सेरेमनी है। लेकिन भारत की तरफ से जो है इस बार क्लोजिंग सेरेमनी में बजरंग पुनिया आपको ध्वजवाहक के रूप में, मतलब फ्लैग बियरर के रूप में वहाँ पे नजर आएंगे। अब जो कल नीरज चोपड़ा के रूप में एक जेवलिन थ्रो में हमारे लिए बड़ी उम्मीद थी, और भारत के लिए उन्होंने पहला गोल्ड मेडल टोक्यो ओलंपिक में लिया, और साथ ही साथ उन्होंने इस तरह से हिस्ट्री को क्रिएट किया जहां हिस्ट्री रिकॉर्ड उनके नाम आ गया, कि जहां पे उन्होंने भारत को लगभग 100 साल के बाद एथलेटिक्स में जो है वो पहला मेडल के साथ साथ, और वो भी गोल्ड मेडल के साथ, भारत को ये भारत की झोली में दिया है। तो कहीं ना कहीं इसके मायने अपने आप में बढ़ जाते हैं, क्योंकि 100 साल का वेट, आप समझ सकते हैं कि इतना टाइम लग गया हमें गोल्ड मेडल हासिल करने में। इसके ऊपर भी बहुत तरह की डिबेट हो सकती है, होनी चाहिए, तो वो आगे आने वाली बात होगी उसके बारे में। लेकिन अभी की जो अच्छी खबर है, जो नीरज चोपड़ा ने कम से कम भारत के लिए एथलेटिक्स में एक मेडल और गोल्ड मेडल के रूप में वो लेके आए। इससे पहले अगर आप देखो तो वहाँ पे आज़ाद भारत को अगर देखें तो 100 साल, अदरवाइज जब 1900 में जब भारत ने पेरिस में शायद जब कम्पीट किया था, तो उस समय भारत की तरफ से जो कम्पीट कर रहे थे उन्होंने 2 मेडल जरूर हासिल किए थे। लेकिन उनके अलावा जो आज़ाद भारत की अगर हम बात करें, तो वहाँ पे पहला मेडल और वो भी गोल्ड मेडल के रूप में नीरज चोपड़ा ने भारत की झोली में इसे डाला है। और ये सभी के लिए बहुत गौरवजनक बात है, क्योंकि एथलेटिक्स जैसे स्पोर्ट्स में इस तरह का कंपटीशन, इस तरह का प्रदर्शन, परफॉर्मेंस देना बहुत अपने आप में बड़ी बात होती है, जहाँ पे कि जिस कंट्री में कभी भी इन खेलों के लिए बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित नहीं किया जाता, चाहे वो सिस्टम, गवर्नमेंट और मीडिया और हर एक चीज़ के बारे में अगर हम बात करें। लेकिन नीरज चोपड़ा ने वो कल कर दिखाया। मिल्खा सिंह जी जो हमारे फ्लाइंग सिख कहलाते हैं, उनको एक रियल ट्रिब्यूट ये है। काश वो अगर वो आज होते हमारे बीच, तो वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा जो है खुश होते और प्रसन्न होते, क्योंकि ये एक बहुत उनका भी ये सपना था, क्योंकि उन्होंने ओलंपिक्स में चौथे स्थान पर फिनिश किया था, वो भी मेडल से एक कदम दूर थे। और साथ ही साथ अगर जो है 1960 ओलंपिक में भारत के लिए मिल्खा सिंह चूके थे, लेकिन साथ साथ 1984 ओलंपिक आई थिंक पीटी उषा भी चूक गई थी, वहाँ पे 4th नंबर पे वे रही थी। तो उसके अलावा भारत के लिए ये बहुत अहम, हर कोई उत्साहित था कि नीरज चोपड़ा, क्योंकि अपने आप में बहुत बड़ा नाम उभर के आया था 2018 एशियन गेम, कॉमनवेल्थ गेम के बाद, और वो जो नेशनल रिकॉर्ड होल्डर था, उसके सबकी उम्मीदें टिकी हुई थी कि कहीं ना कहीं वो ओलंपिक में भारत के लिए ये पदक लेके आएंगे। अब जो बात है वो आज जो हम बात कर रहे हैं कि जैसे क्योंकि हम सब जानते हैं कि ये बरसात का मौसम है, और साथ ही साथ नीरज चोपड़ा के लिए भी झड़ी लग गई है, बरसात हो गई है। बिल्कुल आप ये समझिए कि जो इनामों की बरसात है वो एकदम से नीरज चोपड़ा के लिए कल से खुल गई। और उनके बारे में मैं थोड़ा अगर आपको बताना चाहूँ, तो वहाँ पे पहला जो सबसे बड़ा अवार्ड तो सब जानते हैं कि जो IOA, मतलब जो मेडल जीतने के बाद जो IOC को फॉलो करते हैं, कि जहाँ पे 75 लाख रुपीज़ जो है वो फर्स्ट प्राइज होता है, सेकंड आपका जो IOA के हिसाब से अगर हम देखें तो 40 लाख का होता है, और थर्ड जो है वो 25 लाख का जो इनाम है वो ब्रॉन्ज मेडलिस्ट को दिया जाता है। तो ये तो उनकी झोली में 75 लाख रुपए हो ही जाते हैं। उसके अलावा हरियाणा गवर्नमेंट, जो कि खट्टर साहब की जो गवर्नमेंट है, उन्होंने भी कल एक अहम घोषणा की, जहां पे उन्होंने 6 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है नीरज चोपड़ा को, और साथ ही साथ फर्स्ट क्लास नौकरी भी उन्होंने कहा है कि उन्हें दी जाएगी। और उसी के साथ साथ पंजाब के जो चीफ मिनिस्टर हैं अमरिंदर सिंह, उन्होंने भी जो है 2 करोड़ की वहां पे उनके लिए इनामी घोषणा की है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो बहुत बड़ी एक जो इनामी राशि है 1 करोड़, जो कि BCCI के द्वारा, बहुत अच्छी बात है कि दूसरे खेलों के जो फेडरेशंस हैं, एसोसिएशंस हैं, वो भी बढ़ चढ़कर इस तरह के इवेंट्स को बढ़ावा देना चाहते हैं, और वहाँ पे BCCI ने एक कदम आगे बढ़ाया है, और 1 करोड़ रुपये जो है वो गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा को दिया जा रहा है। और
वहीं अगर दूसरे जो एथलीट्स हैं जहाँ पे हम अगर हम बात करें बीसीसीआई के द्वारा, तो वहाँ भी अलग अलग तरह की इनामी राशि उनको 25 लाख रुपए ब्रॉन्ज मेडलिस्ट को दे रही है, और साथ ही साथ 1.25 करोड़ रुपए 1.25 करोड़ जो है वो जो मेंस हॉकी टीम ब्रॉन्ज मेडल लेके आई है उनको उनसे जो है बीसीसीआई 1.25 करोड़ रुपए से नवाजेगी। उसके अलावा अगर हम बात करें तो जो एलन ग्रुप है, एलन ग्रुप गुरुग्राम का जो गुरुग्राम बेस्ड रियलिटी एलन फर्म है, एक एलन ग्रुप जहाँ पे उनके चेयरमैन ने कल घोषणा की कि वो 25 लाख रुपए कैश रिवॉर्ड देंगे नीरज चोपड़ा को, जो कि गोल्ड मेडल जीते हैं टोक्यो में। और इसी के साथ जो चेन्नई सुपर किंग आईपीएल की फ्रेंचाइजी है, उन्होंने भी जो अनाउंस किया है 1 करोड़ रुपए के लिए, जो कि नीरज चोपड़ा को सीएसके के जो प्रेसिडेंट हैं और सीएसके के जो ओनर हैं उन्होंने कल ये स्टेटमेंट और ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया जहाँ पे वो 1 करोड़ की राशि जो है नीरज चोपड़ा को देंगे। और इंडिगो ने भी अनाउंस किया है, इंडिगो एयरलाइंस जो कि 1 साल के लिए ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा को फ्री टिकट देगी, लगभग अगले साल जो है 7 अगस्त तक का उन्होंने ये एक ऑफर जो है नीरज चोपड़ा के लिए दिया हुआ है। तो ये सारी जो इतनी सारी जो बरसात हुई है जो इनामों की, तो ये एक बहुत अच्छी बात है कि भारत में भी इस तरह की चीज़ें उभर के आ रही हैं, और लोग जो है एथलेटिक्स जैसे इवेंट में या इस तरह के खेलों में जो कि बहुत ज़्यादा प्रचलित, सही मायनों में अगर देखें तो प्रचलित नहीं है, उसके बावजूद अगर इस तरह की चीज़ें आ रही हैं, ये थोड़ी सी एक हमारे लिए थोड़ा सा निराशाजनक बात ये है कि कहीं ना कहीं अगर ये इनामी घोषणाएं या इनामी राशियां या जो सपोर्ट होता है फाइनेंशियल, वो अगर शायद ओलंपिक से पहले भी अगर एथलीट्स को प्रोवाइड कराया जाए, तो कहीं भारत कहीं ना कहीं पोडियम में बेहतर फिनिश करता और भी ज़्यादा। लेकिन फिर भी इस बार का जो ओलंपिक है, 7 मेडल के साथ हम सबसे अच्छे ओलंपिक के साथ उभरे हुए हैं, और लगभग 47 और 48वें नंबर पर अभी हम हैं 7 मेडल्स के साथ, जिसमें एक गोल्ड मेडल नीरज चोपड़ा का शामिल है। तो वहाँ पे जो है भारत के लिए बहुत अच्छी खबर है। चाइना जो है अभी भी टॉप पे बना हुआ है और यूनाइटेड स्टेट उनको फॉलो कर रहा है। उसके अलावा जो जापान है वो भी अच्छे परफॉर्मेंस अभी दे रहा है और अच्छी मेडल टैली में थर्ड फोर्थ पे चल रहा है अभी भी। तो भारत के लिए अच्छी खबर है नीरज चोपड़ा का गोल्ड मेडल, और साथ ही साथ इस तरह की कहें कि बारिश होना रेनिंग रिवॉर्ड्स का, बेसिकली रेनिंग रिवॉर्ड्स हैं एक तरह से ओलंपिक मेडलिस्ट के लिए, तो ये काफ़ी अच्छी खबर है सभी खेल प्रेमियों के लिए। तो यहीं पे मैं बात आगे बढ़ाता हूँ, जो क्रिकेट की बात मैं कर देता हूँ। कल भारत का और इंग्लैंड का टेस्ट मैच, जो टेस्ट सीरीज है 5 टेस्ट मैचेस की, उनमें पहला टेस्ट मैच भारत लगभग जीत की कगार पे खड़ा है, जहाँ पे आज भारत को, क्योंकि 209 रनों का लक्ष्य लगभग था भारत को जीतने के लिए, और उसमें कल भारत जो है वो लगभग 50 रन बना चुका है, और जिसमें कि अभी भी एक विकेट खो चुका है भारत केएल राहुल के रूप में, लेकिन रोहित शर्मा और चेतेश्वर पुजारा 12-12 रन बनाकर अभी भी क्रीज पर डटे हुए हैं। तो उम्मीद है कि आज भारत जो है, अगर बारिश जो है वो किसी तरह का खलल ना दे, तो इस मैच को अच्छे से, क्योंकि ज़्यादा रन नहीं बचे हुए हैं, कुछ कम से कम लगभग 158 और 160 के आसपास रन बचे हुए हैं, तो ये बहुत बड़ी चीज़ तो नहीं है, लेकिन फिर भी क्योंकि जो इंग्लैंड का अटैक है, पेस अटैक है, उसके सामने पूरे दिन खेलना, पूरे टिके रहना और इन रन्स को निकालना, ये भी अपने आप में एक बड़ा चैलेंज है। बट होपफुली मुझे लगता है कि भारत इस मैच को जीतेगा, अगर किसी भी तरह की वेदर की जो फॉरकास्ट है वो अगर भारत के पक्ष में रहती है, तो भारत इस मैच को जरूर जीतेगा। इन्हीं सब चीज़ों के साथ आप सब लोगों से इजाज़त चाहूँगा, आगे भी इसी तरह की अपडेट्स और कुछ वीडियोस आपके लिए बनाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये जो खबरें हैं, ये अपडेट है, सेगमेंट है, ये पसंद आता है, तो प्लीज़ कमेंट करें, अपने फीडबैक ज़रूर दें, और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि फर्दर अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी। बेल आइकन अगर आप प्रेस करते हैं तो आपको जो नोटिफिकेशन है वो ज़रूर आपको जरूर समय समय पर मिलता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हैव ए गुड डे, हैव ए गुड संडे। थैंक यू।